हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मार्केट में क्या रिसेशन आ रहा है एक तरीके से। इसके अंदर मैं बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने वाला हूँ जिससे आपको फैक्ट मालूम पड़ेगा कि मार्केट में कब रिवर्सल हो सकता है और कितने तक जो निफ्टी है या सेंसेक्स के बॉटम बना सकता है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 15 दिन या 20 दिन पहले मैंने शायद वीडियो बनाया था कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से वहां से कंटिन्यूसली स्टॉक्स या कोई निफ्टी नीचे गिर रहा है। राइट, ऑलमोस्ट अपने पीक से कहो तो 14% या 15% डाउन तक आ चुका है। सो क्या क्या रीजन है अभी के टाइम पे जिसके वजह से निफ्टी के अंदर में अभी के टाइम पे करेक्शन या सेंसेक्स मार्केट पूरा का पूरा चल रहा है। सो मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं और उसके बाद ये पॉइंट्स कवर करने के बाद मैं आपको कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मे बी अराउंड 8 या 9 कंपनी है जो मेरे ख्याल से इस रिसेशन के अंदर में बाय करने में एक समझदारी हो सकता है, लेकिन कब करना है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सो पहला रीजन जो यहाँ पे एकदम क्लियर है, इन्फ्लेशन। सो यूएसए में ऑलमोस्ट 40 ईयर्स हाई के आसपास इन्फ्लेशन पहुंच चुका है, तो हमारे देश में भी कोई अभी के टाइम पे कम सिचुएशन नहीं है जहां पे इन्फ्लेशन 7% के आसपास पहुंच चुका है। सो ये इन्फ्लेशन सडनली इतना इंक्रीज क्यों हो गया, क्योंकि जो लिक्विडिटी मेंटेन करने के चक्कर में जो आपका यूएस हो या कोई भी कंट्री हो, इस अपना रेपो रेट काफी कम करके रखी थी, जिसके वजह से मार्केट में एक तरह से जो डिमांड है कंटिन्यूसली इंक्रीज होने लगा, या जो और भी बहुत सारे फैक्टर है जिससे इन्फ्लेशन बहुत हाई हो चुका है, और उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने रिसेंटली रेपो रेट या आपका इंक्रीज करने का प्लानिंग किया। तो इन्फ्लेशन हाइयर होने की वजह से भी आपका मार्केट के अंदर फिलहाल करेक्शन दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के ऊपर जो आपने देखा रहेगा प्रेशर ऑन प्रॉफिट मार्जिन, तो ये इन्फ्लेशन की वजह से उसका उस कंपनीज का प्रॉफिट एक तरह से खा जाती है, तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा नहीं आता है, इसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है। सेकेंड चीज, अभी के टाइम पे अगर हम आपने देखा रहेगा यूएस का जीडीपी ऑलमोस्ट 14% डाउन हो चुका है अब तक 2014 के कंपैरिजन में, तो ये भी एक तरह से एक कंसर्न है, जिसकी वजह से जब डेवलप्ड नेशन में इस तरह सिचुएशन है तो हमारी सिर्फ डेवलपिंग नेशन फिलहाल अभी तो स्टिल लॉट ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट है इंडिया के लिए ग्रो करने के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो ये एक फैक्टर भी कंसिडर आप कर सकते हो। थर्ड फैक्टर आप कंसिडर कर सकते हो रशिया यूक्रेन का वॉर, जहां से क्रूड ऑयल का प्राइस कंटिन्यूसली रैली होने लगा और बहुत सारे जो वहां से हम इम्पोर्ट करते थे या एक्सपोर्ट करते थे उस चीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। तो रशिया यूक्रेन का वॉर ऑलमोस्ट 4 महीने से कंटिन्यूसली चालू है, फिलहाल थोड़ा सा सबड्यूड है, लेकिन वो भी एक फैक्टर है जो मार्केट के अंदर में एक इवेंट की तरह काम किया और मार्केट को ड्रैग करना स्टार्ट किया। ये तीसरा रीजन था। फोर्थ रीजन की मैं बात करूं, यूएस फेड पॉलिसी जो आपने मार्च में सुना था कि उस टाइम पे उन्होंने सम 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया, और बिग टाइम पे ऑलमोस्ट अगर देखें, अगर 2000 आज से 20 से 21 साल पहले चले जाओ तो उस टाइम पे 50 बेसिस पॉइंट से सरकार ने यूएस या कहो फेड ने 50 बेसिस पॉइंट से उस टाइम इंक्रीज किया, तो अभी के टाइम 20 साल के बाद इन्होंने ये इंटरेस्ट हाइक किया ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट से, जो कि काफी हाइयर है यूएस इकोनॉमी के अंदर में। और आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है 4.4% के आसपास लेके 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया है, और भी वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट से और इंक्रीज करने वाली है, तो उसके वजह से मार्केट के अंदर में एक फैक्टर चल रहा है जिसकी वजह से आपका बैंकिंग एनबीएफसी का स्टॉक्स काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो जो लेंडिंग रेट्स होता है ना वो काफी हायर हो जाएगा। जो होम लोन आपको सस्ते दाम में मिल रहा था 7% में, अब वो 7% पे बिल्कुल नहीं मिलेगा, फिर से वो शायद आपके 8% 8.5% के आसपास हो जाएगा। साथ साथ में जो डिपॉजिट रेट्स हैं, या एफडी की बात करो, रिकरिंग डिपॉजिट्स की बात करो, बॉन्ड की बात करो, उसका वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, तो वहां पे भी लोग डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, तो वो भी एक फैक्टर है। तो ये फोर्थ फैक्टर जिसकी वजह से मार्केट में, ये चौथा इवेंट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। पांचवा इवेंट जो रिसेंटली एक तरह से कहूँ लास्ट 15 डेज के अंदर देखने को मिला है, रुपी डेप्रिसिएशन। हम जैसे कि जानते हैं अभी के टाइम पे रुपी काफी डेप्रिशिएट हो रहा है, ऑलमोस्ट अगर देखे तो काफी एकदम लो आ चुका है, ऑलमोस्ट अगर अभी के टाइम पे $1 ऑलमोस्ट 77 रुपीज 44 पैसा 44 पैसे के आसपास आ चुका है, और ये 78 रुपीज के आसपास मार्क कर सकता है। और आप जानते हो हम बहुत ही ज्यादा बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, जिससे हमारी कंट्री को एक तरह से करंट अकाउंट डिफिसिट का सामना और ज्यादा करना पड़ सकता है, और ऑयल तो हम बहुत ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई भी चीज अगर बाहर से इंपोर्ट करना है तो हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, जिससे जो हमारा कैश रिजर्व है या आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है अगर हम बात करें, सॉरी, तो उसके अंदर में आपको चेंजेस देखने को
मिल सकता है। ये पांचवा रीजन था। छठा रीजन, या मैं आगे का जो एक रीजन और यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, छठा रीजन आपका क्रूड ऑयल प्राइस। अभी के टाइम पे जो क्रूड ऑयल प्राइस बीच में आई थिंक 130 डॉलर पर बैरल के आसपास पहुंच चुका था, जो एक टाइम पे आज से 1-1.5 साल पहले चले जाओ 63 डॉलर पर बैरल के आसपास चल रहा था, अभी के टाइम पे 102 डॉलर पर बैरल के आसपास चल रहा है। तो ये कम से कम मेरे ख्याल से जब तक क्रूड ऑयल प्राइस या ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है कम नहीं होता, उसके वजह से भी आपका इन्फ्लेशन या ओवरऑल जो पेट्रोल प्राइस डीजल प्राइस जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है इंडिया में, उसकी वजह से भी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट कंपनीज का कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से आपका सीमेंट कंपनीज को प्रॉब्लम हो रहा है। सीमेंट कंपनीज ने भी अपना रेट हाइक करने का प्लानिंग किया, तो ये कंज्यूमर को पास ऑन करना चाहते हैं, राइट। तो ये क्रूड ऑयल या ब्रेंट क्रूड प्राइस ये भी अगर 90-95 डॉलर पर बैरल के आसपास आएगा, तब मार्केट में थोड़ा सा स्टेबिलिटी या इस फैक्टर के हिसाब से दिखाई देगा। सेवेंथ रीजन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपका है रिजल्ट सब्ड्यूड। अभी के टाइम पे आपने देखा रहेगा एशियन पेंट हो, डीमार्ट हो, या जो भी लार्ज कैप कंपनीज भी हो, उनके जो रेवेन्यू मिक्स है काफी सब्ड्यूड आए हैं। जब लार्ज कैप कंपनीज अच्छा नंबर रिपोर्ट नहीं करेगी, सो स्मॉल और मिड कैप कंपनी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, राइट। उसकी वजह से भी मार्केट में करेक्शन चल रहा है। तो ये मैंने फिलहाल 7 रीजन डिस्कस किए, मैं और रीजंस आपको स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो रीजंस है ना, ये सारे के सारे इवेंट जो अकर हो रहे हैं ना, ये काफी बेहतर है। और मेरा स्ट्रैटेजी क्या है अभी के टाइम पे, मैं फिलहाल अभी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट मैंने होल्ड करके रखा है, और इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट करूंगा ये मैं आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, कैश ट्रेडिंग फिर से रेंटर करने के लिए, राइट। तो मैं ले चलता हूँ आपको स्क्रीन की तरफ। सो मैं आ जाता हूँ स्क्रीन की तरफ यहाँ पे। यहाँ पे मैं ले चलता हूँ सबसे पहले आपको एक और रीजन पे, FII और DII का डेटा। तो एक चीज आप नोटिस करो, लास्ट 1 ईयर में आप देख रहे हो 2021 में, या आप पहले मंथली डेटा देख लो, मंथली कभी से FII एक तरह से मार्केट से पैसा निकालना स्टार्ट किया, आप पूरा रेडी दिखाई देगा आपको एक तरीके से। अप्रैल 2021 से FII ने धीरे धीरे करके पैसा मार्केट से निकालना स्टार्ट किया। सितंबर में हल्का सा 463 करोड़ सिर्फ पंप हुआ था उससे, लेकिन अप्रैल 21 से ऑलमोस्ट कहूँ तो 1 साल के ऊपर हो चुका है जब से FII कंटिन्यूअसली मार्केट से पैसा निकाले ही जा रहा है। आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली रेड रेड है FII। इसको ईयरली में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, आप ईयरली देख सकते हो 2021 में या 2020 में कितना मनी इन्फ्लो हुआ था FII के द्वारा। अराउंड 64,379 करोड़ के आसपास पैसा डाला गया था जब मार्केट एकदम तेजी से नीचे गिरा था, FII ने डाला था। वहीं 2021 में FII ने ऑलमोस्ट 92,000 करोड़ निकाल लिया, और FY 2022 जो अब तक का जो सबसे कम सिर्फ 5 महीने के अंदर में ऑलमोस्ट FII ने 1,94,000 करोड़ के आसपास पैसा निकाल लिया है। मतलब पैसा पूरा मार्केट से, ये FII जिनका जो इंटर किए थे पूरी तरह से एक तरह से निकाल चुके हैं फिलहाल के लिए। वहीं पे DII जिसके वजह से मार्केट टिका हुआ है, तो यहाँ पे आप DII देखोगे जो 2020 में 36,000 करोड़ का हमने सेल किया था, DII ने सिर्फ 2021 में 94,000 करोड़ का बाइंग हुआ है, और 2022 में ऑलमोस्ट अभी तक 1,53,000 करोड़ के आसपास का बाइंग हुआ है। मतलब सिर्फ और सिर्फ DII ही अभी के टाइम पे मार्केट को बचा करके रखे हैं, वही सिर्फ बाय कर रहे हैं, बाकी FII कंटिन्यूअसली पैसा मार्केट से आउटफ्लो चल रहा है। मतलब आपका डीमैट अकाउंट या नॉर्मल अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें, आज से 2-2.5 साल पहले आपका 2 से 2.5 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट था, अभी के टाइम पे 8.5 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट है। पर ये जो रिसेशन चल रहा है जिसके वजह से बहुत सारे लोग मे भी मार्केट को छोड़ देंगे, क्योंकि वो कंपनी के बिजनेस को समझते बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि फ्यूचर ऑप्शन करना है, या बहुत शॉर्टकट तरीके से चाहते हैं कि उनको तुरंत पैसा बनाना है, तो वही लोग हैं जिनका पैसा डूबता जा रहा है। बाकी अभी के टाइम पे अगर आपको कोई कहता है वो पैसा बना रहा है तो बिल्कुल झूठ है। कोई पैसा बिल्कुल अभी के टाइम पे नहीं बना रहा, सबका पैसा कहीं ना कहीं अटका हुआ है। हर कोई कहता है कि मैं स्मार्ट हूँ मैं स्मार्ट हूँ, कोई भी मार्केट में कितना भी टाइम से रहे उसको प्रिडिक्शन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ये पता था कि मार्केट काफी ओवर प्राइस हो चुका है, निफ्टी 18,000 को क्रॉस कर चुका है, पीई मल्टीपल बहुत हाई चला गया था, ऑलमोस्ट आई थिंक 35-40 के आसपास पीई मल्टीपल था, अभी के टाइम पे अराउंड 25 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो 2024-25 के हिसाब से मल्टीपल से थोड़ा सा डिसेंट है अभी के टाइम पे, और भी थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है। 20-21 मल्टीपल के आसपास अगर आपका पीई आ जाता है निफ्टी का, सो दैट्स अ गुड बेट टू एंटर अगेन इनटू द मार्केट, राइट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। अब मैं आपको रिसेशन एक एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ा बहुत।
इससे आपको समझ में मिलेगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहिए। तो मैं इसलिए कहता हूं कि मार्केट में अगर आपको निवेश करना है, पैसे बनाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, राइट। यहाँ पे मैं कुछ फैक्टर कंसिडर करता हूँ। आप देखेंगे 2008 में, 2008, ये आपका 2008 है, 2007 या 2008 के आसपास है, जनवरी, यहाँ पे मार्केट आपका क्रैश हुआ था, बबल हुआ था, बबल एक तरीके से फॉर्म हुआ था। उसके बाद मार्केट आपका 2008 से लेकर के ऑलमोस्ट कभी तक था, ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये 2009 मार्च तक कम से कम 1 साल 2 महीने के आसपास आपका मार्केट पूरा का पूरा नीचे चल रहा था। मतलब ये एक तरह का 1 से 1.25 साल के आसपास का रिसेशन है। लेकिन इस मार्केट को रिकवर करने के लिए कितना टाइम चला गया, ऑलमोस्ट इस लेवल पे पहुंचने के लिए मार्केट 2010 में पहुंचा। मतलब जिसने यहाँ पे जैसे कि 18,000 के आसपास निफ्टी में किसी ने बाइंग किया रहेगा, तो डेफिनेटली अभी फिलहाल वो इस फेस में चल रहा है, और उसको आने के लिए कम से कम आपका मे भी आने वाला 6 महीना 8 महीना 1 साल 1.5 साल लग सकता है। लेकिन इस टाइम पे सोचो, अगर किसी ने अच्छा बिजनेस यहाँ पे बाय किया हो, और जो 100 रुपए के दाम का स्टॉक था, 100 रुपीज के आसपास का जो भी था, वो चीज इसको यहाँ पे 50 रुपए के दाम पे मिल रहा है, तो उस चीज को क्या कर सकता है, एवरेज आउट कर सकता है। सो दैट जो ये जो 2 साल का पीरियड है वो कम होकर के यहाँ तक में, यहाँ पे उसका रिकवरी हो जाएगा। तो आपको भी निफ्टी के अंदर में ये पूरा का पूरा जो 2022, मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2-3 महीना और निकल जाएगा, उसके बाद बॉटम बना देगा निफ्टी, उसके बाद यहाँ से एंट्री करना स्टार्ट करना एक तरीके से। उसके बाद और एक सेक्शन ले चलता हूँ, 2010 में फिर से मार्केट आपका यहाँ तक आया एक तरह से अपने रेजिस्टेंस के आसपास, और फिर से मार्केट आपका साइड वेज में चला गया। कब तक के लिए, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये आपका 2014 तक, सॉरी 2014 के फरवरी की जनवरी के आसपास तक मार्केट को फिर से टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 2 साल चला गया। ये ड्रॉट सिचुएशन था जब इंडिया में डेवलप हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर में करेक्शन हो रहा था। तो ये चीज आपको नोटिस करना, एक ये है जो इसके वजह से यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, इसमें एंट्री पॉइंट होते हैं। उसके बाद फिर से आपका मार्केट, आप देखो 2015 में 9,000 के आसपास था, उसके बाद मार्केट फिर से गिरा ऑलमोस्ट कभी तक आपका 1 साल। यहाँ पे क्या है आपका, 15 मार्च जनवरी 2015, उसके बाद ये 2016 मार्च के आसपास, मतलब 1 साल तक मार्केट के अंदर में सेलिंग चलता रहा। उसके बाद मार्केट को रिकवर होने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 साल चला गया। मतलब एक चीज समझ, जो जिसने भाई बाव जिसने भी बाय किया है बहुत ऊपर के लेवल पे, उसका पैसा कम से कम 1 से 1.5 साल के लिए अटक चुका है। और लेकिन अटक तो चुका है 1.5 साल 2 साल के लिए, लेकिन उसके बाद जो नीचे का जो लेवल है, उस लेवल पे अभी से नहीं, थोड़ा और टाइम आने दो, तब जब निफ्टी आपका 14,500 का लेवल टच करेगा, जहां पे हर कोई यूट्यूबर ने, मैं हूं या कोई भी, सबने कह दिया, और सब आजकल हर कोई यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, राइट। और इतना ज्यादा डीमेट अकाउंट, इतना ज्यादा रिटेल इनफ्लो होने की वजह से मार्केट बहुत ऊपर नीचे करता है, उनका सेंटिमेंट, उनको लग रहा है कि मार्केट 14,200 पे जाएगा। इसके लिए आपका निफ्टी का लोग पुट ऑप्शन ले रहे हैं, या ऑप्शन जो भी ले रहे हैं उसके हिसाब से पूरा का पूरा उसका प्रीमियम इंक्रीज कर दिया, इसलिए मार्केट पे और करेक्शन आ रहा है, राइट। उसके बाद अब देख लेते हैं यहाँ पे, अब आपका मार्च में 2020 में मार्केट गिरा, उसके बाद कितना टाइम लगा इसको उठने में, सिर्फ यहाँ से सीधा अगर हम देखें यहाँ पे एक, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीना, मार्च 15 मार्च से स्टार्ट हुआ डाउन साइड, और अप्रैल के अंदर में ये रिवर्सल्स करना स्टार्ट कर दिया। बाकी सबने आपने देखा रहेगा ऑलमोस्ट 1 साल के बाद रिवर्सल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 महीने के अंदर में रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है, आपका FII एंटर करना स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उसके बाद मार्केट आपका सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर में ही पूरा वो टॉप अप भी बना लेता है, टॉप भी बना लेता है पूरा का पूरा, मतलब ऑलमोस्ट कम तो 6 महीने के अंदर में मार्केट आपका प्रीवियस लेवल पे पहुंच जाता है। तो ये जो था ना कि एक मार्केट को कम से कम 1-1.5 साल नीचे रह करके फिर से इस तरह से आना था, ये मार्केट क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर में यहाँ से यहाँ आ गया, जो 1.5 साल तक रहना चाहिए था इधर तक आने के लिए, और 6 महीने के अंदर में। तो इसके लिए जो ये प्राइस अभी के टाइम पे जो था ना, मैंने कहा कि आउटलायर की तरह काम कर रहा है। आउटलायर कैसे कह सकते हैं, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको एक चीज, तो आपको दिखाई देगा, ये मैंने पहले भी किया है ड्रॉ, और अभी भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये इसका एक्चुअल ग्रोथ रेट है। निफ्टी को कुछ इस तरीके से ग्रो होना चाहिए था, इसे ड्रॉ कर देता हूँ, निफ्टी को कैसे ग्रो होना चाहिए था इस तरीके से, मैंने एकदम लॉन्ग टर्म फ्रेम ले लिया 10 साल का डेटा के हिसाब से, निफ्टी को कुछ इस तरीके से ग्रो होना चाहिए था। जो निफ्टी ये एक तरह से रेजिस्टेंस लेवल है अपना, टॉप टॉप जो बना रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है,
तो यहाँ पे इस तरह से पहुंचना चाहिए था, फिर यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन निफ्टी आपका कहाँ है, 15,820 में कहाँ चला गया था, 18,000। सब लोग पार्टी कर रहे थे, निफ्टी 18 पहुंच गया और सेंसेक्स आपका 60 पहुंच गया। तो ये जो चीज था, और किसी ने एक ने उस टाइम पे बहुत अच्छा एक ड्रॉइंग भी बना के भेजा था, डायनासोर अभी खाने के लिए रुका है, शायद मुंडे यहाँ से झुकाएगा। ये आपको मेमे याद होगा, मे भी ट्विटर पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। तो यहाँ पे सही में वो अभी के टाइम पे नीचे की तरफ आ रहा है। और ये जो लेवल लोगों ने प्रिडिक्ट करके रखा है, पहला लेवल तो मेरा 15,500 के आसपास का लेवल है। अगर इसको अगर ब्रेक करता है, 20 मंथ मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे 14,500, 14,000 मैक्सिमम। ये एक लास्ट लेवल है जहां पे FII का एंट्री देखने को मिल सकता है। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आएगा, समझो 2 महीने 1.5 महीने के अंदर में, 2 महीने में मोस्टली, अगर जो भी आता है 2 महीना 1.5 महीना जो भी है, राइट। उसके बाद मार्केट को करेक्ट होने में ऑलमोस्ट, अगर हम देखें यहाँ से फिर से इसको जाने में, कम से कम 2 से आगे का 6 महीना लग जाएगा। मतलब दिसंबर से समझ लो कि स्टार्ट होगा रैली, तो 6 महीना या आने वाला 1-1.5 साल निकल, शायद 1 साल निकल जाए, 1 सवा साल निकल जाए 18,000 आने के लिए। तो ये एक तरह से जो पीरियड है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ पे कम से कम 1.5 साल का बन रहा है, जिससे मार्केट आपका रिसेशन की तरह एक तरह से कहला रहा है। सारे के सारे इवेंट्स हो रहे, तो आपको कब एंटर करना है, जैसी मार्केट अपना 14,500 का बॉटम बनाता है उसी टाइम पे आपको एंट्री करना है। सो दैट आप ये लेवल का वेट ना करो कि जब आएगा इसमें ब्रेकआउट होगा, प्राइस एक्शन लगाऊंगा, उसके बाद निफ्टी एकदम हाई बनेगा तब एंटर करूंगा, बिल्कुल नहीं। आपको एंटर करना है 14,500, 14,700 के लेवल के आसपास, जहां से आपका पैसा वेल्थ क्रिएट करना स्टार्ट होगा। वेल्थ बनाना है तो रिसेशन के अंदर पैसा डालो। अगर आपके पास प्लानिंग कर रहे हो कि आपको आने वाले 2 से 2.5 साल के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा आपके पास पैसा हो, तो मेरे ख्याल से 14,500 के आसपास अगर निफ्टी आता या 15,000 के नीचे ही आ जाता ना, वहीं से ग्रेजुअल स्टार्ट कर दो एक्वायर करना अच्छी अच्छी कंपनीज को, जहां पे आपका पैसा 100% है। कि मार्केट आपने देखा कि भले 2008 का रिसेशन हो, 2012 का हो, 2015 का हो, या 2020 का हो, मार्केट हमेशा ऊपर आया है। तो मार्केट जो एक टाइम पे आप देख सकते हो कितने पे था, 1,000 के आसपास निफ्टी चल रहा था, आज निफ्टी 15,000 तक तो कम से कम पहुंचा है, चलो 14,000 के आसपास तो पहुंचा है। तो आने वाला 5 साल आप ये नहीं सोच सकते हो कि आने वाला जो निफ्टी, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, ये जो निफ्टी है इसको मैं और एक्सटेंड करते जाऊं और एक्सटेंड करते जाऊं, आपका निफ्टी एक टाइम पे आपको 20 से 22 हजार के आसपास दिखाई देगा। तो ये एक स्टेडी ग्रोथ है, जो इस लाइन से ग्रो होगा ना, इसके बाहर जैसी निफ्टी कभी भी बहुत ऊपर चले जाता है, समझ जाओ ये इसका मीडियन मूविंग एवरेज लाइन है या चुंबक है, जहां पे उसको आना ही आना है उस लेवल पे। आप मूविंग एवरेज अगर यूज करते हो, तो आप जो ट्रेलिंग लॉस स्टॉप लॉस है जो भी यूज करते हो, आप देखे रहेंगे कि जब भी आपका स्टॉक ऊपर जाता है तो आप वेट करते हो कि मूविंग एवरेज के आसपास आए, तो फिर से रिंटर करोगे। तो ये जो लेवल है ना, इसी लेवल पे तो मार्केट आपका, ये तो काफी लंबा समय दिखा रहा है, यहाँ पे 2030 तक का दिखा रहा है, पर ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, ये मैंने इस तरह से कंसिडर किया। मे बी थोड़ा सा और ये ऐसा हो जाए, 24,000 25,000 के आसपास निफ्टी आपका और पहुंच सकता है। मे बी 5 साल में जो इंडिया की इकोनॉमी है, $5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगा और बहुत सारे फैक्टर डिस्काउंट हो जाएंगे उस टाइम पे। मार्केट आपका जो ये ऑलमोस्ट इस लेवल से ट्रेड करता हुआ ऊपर जाएगा, 24,000 25,000, आने वाले 3 साल के अंदर में मार्केट आपका 22,000 के ऊपर निफ्टी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो कुछ कंपनीज है जो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, जो अच्छी कंपनी, देखो एक एक चीज याद रखना, मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ तो मेरा फेस आपको और दिखाई देगा। ओके आ जाते हैं यहाँ पे। तो एक चीज याद रखो, जब भी मार्केट में करेक्शन होता है, बहुत ज्यादा करेक्शन होने वाला रहता है, जैसे कि अभी के टाइम पे हम 14,500 का प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मतलब अपने हाई से ऑलमोस्ट, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करके देखूँ, सॉरी यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, ऑलमोस्ट अपने हाई से यहाँ से अभी के टाइम पे 17%, मतलब ऑलमोस्ट 17% यहाँ तक अगर देखें, 17% के आसपास आ चुके हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ तक आना चाहिए। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये मार्केट आपका और मतलब ऑलमोस्ट और 6 से 7% निफ्टी नीचे आएगा, तब आपके लिए एंट्री बनेगा, राइट। सो इस टाइम पे आपको क्या करना है, ऐसे टाइम में रिसेशन के टाइम पे आपको जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज का बीटा का वैल्यू बहुत हाई होता है और बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो आप अगर रिस्क लेने वाले हो, अगर आपका एज काफी कम है, आपका एज शायद अगर 25 से लेकर के 35 के बीच में, तो आप स्मॉल और मिड कैप में प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन एलोकेशन भी आप मेरे ख्याल से 50% के ऊपर बिल्कुल मत रखना। लेकिन अगर आपका एज ज्यादा है, जैसे कि रिटायरमेंट में बहुत सारे मुझे कॉल करते हैं, जैसे मैं क्लाइंट हैंडल करता हूँ, सो कॉल करते थे तो अराउंड उनका जो
कभी कभी एक्सपोजर बहुत ज्यादा स्मॉल और मिड कैप को होता था, लेकिन उस एज में आपका कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस एज में वो पैसा आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं उनको कहता हूं, अगर आपका एज मोर देन, अगर आपका एज अगर 30-40 क्रॉस कर चुका है, आपको कम से कम थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना है, मतलब एकदम एग्रेसिवली प्लान नहीं करना है, क्योंकि 40 के बाद लोगों का जो इनकम भले स्टेबल हो जाता है, लेकिन हमको हमारे बच्चों का उस टाइम पे एजुकेशन ये सब बढ़ना चालू हो जाता है, तो उसके हिसाब से भी हमको प्लानिंग करना पड़ता है। राइट, वहीं पे अगर आपका एज क्रॉस हो गया 50, डोंट गेट इन टू स्मॉल मिड कैप, एकदम हाईर एक्सपोजर बिल्कुल नहीं। आप ज्यादा ज्यादा 25 से 30% स्मॉल मिड कैप कंपनीज में एंटर करना स्टार्ट करना। राइट, सो अभी के टाइम पे आप लार्ज कैप कंपनीज में डालोगे तो उनके पास प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, मैनेजमेंट बेहतर, तब जाकर वो कंपनी लार्ज कैप बनी है। और इसके लिए वो स्टॉक्स अगर मार्केट गिरता है तो ये डेफिनेटली पहले ये करेक्ट होंगे और उसके बाद स्मॉल और मिड कैप में आपको रैली देखने को मिलेगा। राइट, तो इस टाइम पे अगर आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेरी कर रहे थे, सो आप लार्ज कैप कंपनीज पर फोकस करो, अच्छी अच्छी कंपनीज, और खास करके जो अंडर पेनिट्रेटेड बिजनेस है लार्ज कैप स्पेस में, उसके अंदर में, जिससे वो कल जा करके आपको 2x 3x का रिटर्न जनरेट करके दे सके। तो यहाँ पे पहला स्टॉक जो सेफेस्ट मैं खेलूंगा यहाँ पे, बजाज फाइनेंस। तो ये जो स्टॉक है बजाज फाइनेंस, जैसे ही बॉटम बनाता है एकदम नीचे का, अभी के टाइम पे ऑलरेडी मैंने बोला था आपको 5,600 के आसपास एंट्री करना है, अभी के टाइम पे कितने पे आ चुका है ये, 5,621 के आसपास आ चुका है। लेकिन अभी के टाइम पे मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, मार्केट 14,500 पे आता है, तो चांसेस है आपका बजाज फाइनेंस आपको कम से कम 4,800 रुपए के भाव पे, 5,000 रुपए के भाव पे आपको मिल जाएगा। और ट्रस्ट मी, ये एक स्टॉक है जो आपको 3 गुना रिटर्न बना करके देगा, जिससे आपसे कंपनी का अर्निंग और एसेट अंडर मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। तो इस कंपनी का फंडामेंटल रिसर्च ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। 5,000 रुपए मैक्सिमम लेवल एंटर करना मत भूलना, इट्स नॉट एडवाइस, बट बिजनेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, सो प्लीज आप अपना एनालिसिस भी करो। राइट, ये एक स्टॉक है। दूसरा स्टॉक मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है आपका दीपक नाइट्राइड, जो कंपनी का मैनेजमेंट काफी बेहतर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है, और इस स्टॉक के अंदर में जो एंट्री है आपका मेरे ख्याल से 1,800 रुपए के आसपास है, जब मार्केट एकदम क्रैश हो जाएगा, 14,500 पे आ जाएगा, तो मे बी आपका ये 20 वीक्स मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। इस स्टॉक के अंदर मैं बहुत ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रस्ट मी, ये स्टॉक हमेशा रिटर्न जनरेट करके देता है, क्योंकि उस लेवल में बाय करना है। अपने पीक से अगर आप देखो 3,000 का था, आज ऑलमोस्ट अपने पीक से हम अगर चेक करें तो स्टॉक आपका 34% डाउन है, और मैं बात कर रहा हूँ इस लेवल का, ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास का, मतलब ऑलमोस्ट 40% जब तक स्टॉक डाउन होता है तब आप एंट्री करो। ऑलमोस्ट हमें 1,800 या 1,750 मैक्सिमम अगर जाता है वहां तक का, उसके बाद स्टॉक के अंदर में आप 2-2.5 साल, मेरे ख्याल से 1 साल में जब वो मार्केट अपना बॉटम बनाए उसके बाद रिकवरी स्टार्ट होगा, तो ये सब स्टॉक्स पहले भागना स्टार्ट होंगे। जो FII, जो पैसा मार्केट से निकाल रहे ना, वो देख रहे मार्केट एकदम बॉटम बना है, उसके बाद हम पैसा डालना चालू करेंगे इंडियन इक्विटी मार्केट में, क्योंकि उनके पास कोई बेटर ऑप्शन और अवेलेबल नहीं। थोड़ी ना श्रीलंका में पैसा डालेंगे जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, और श्रीलंका जैसा सिचुएशन जो चल रहा है, मे बी जो भी उनका प्रीवियस एजेंडा था उसके वजह से वो कंट्री के अंदर में वो हालात है, और मे भी हमारी कंट्री में थोड़ा वैसा हालात दिख रहा है, लेकिन ऐसा कभी ना हो, गॉड से प्रे करता हूँ। राइट, उसके बाद ये सेकंड स्टॉक था। थर्ड में अगर देखूं टाटा मोटर्स, सो टाटा मोटर्स में राकेश झुंझुनवाला बेचारा, उसका ऑलरेडी उसको उनका तो पोर्टफोलियो गिरता, हमारा तो 10,000-15,000 माइनस होता है, उनका सीधा माइनस होता है 1,000 करोड़ 2,000 करोड़, उससे सीधा सीधा नीचे जाता है। राइट, टाटा मोटर्स के पास मोर देन 83% मार्केट शेयर है ईवी के अंदर में, हर महीने 50,000 निक्सन ईवी का डिमांड कम्युनिटी जनरेट कर रहे, और कंपनी ऑलरेडी कैश काउ जनरेट करती है आपका जैगवा के बिजनेस से, और डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्पेस में कंपनी अच्छा कर सकती है। टाइगर ग्लोबल ने ऑलमोस्ट $1 बिलियन का स्टॉक में निवेश किया, तो ऐसे ही सोच करके निवेश नहीं किया है। राइट, तो डेफिनेटली जब उन्होंने निवेश किया तो स्टॉक आपका सीधा 500 के आसपास चले गया था। राइट, ये स्टॉक थोड़ा सा वोलाटाइल होता है, लेकिन ये स्टॉक आपको ज्यादा पैसा रिटर्न बनाकर देगा। 30% डाउन है, तो आपको एंट्री कब करना है, आपको ये जो लेवल्स है ऑलमोस्ट 30-40%, 315 300 से लेकर के 320 के रेंज में आपको एंट्री करने का प्लानिंग करना है, मार्केट जितना बॉटम बनाता है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्वायर सच अ ग्रेट कंपनी। नेक्स्ट स्टॉक जो डी मार्ट, जिनका बिजनेस सडनली रेवेन्यू मिक्स थोड़ा सा डाउन हुआ, जो ब्लेंडेड स्क्वायर फुट रेवेन्यू है उसके वजह से अपने पीक से ये स्टॉक ने बहुत सारे लोगों का पैसा अटका चुका है, ऑलमोस्ट 6,000 लेवल से अभी तक 45% डाउन चल रहा है। स्टॉक के अंदर में जो एंट्री बनता है ये लेवल पे, जो मार्केट अगर जितना नीचे आता है, तो मैंने कंसिडर करके रखा है कि मैक्सिमम स्टॉक के अंदर में जो एंट्री लेवल है 2,800 का है,
2800 से लेकर के 3000 के बीच में आपको एंटर करना है अगर मार्केट 14500 का बॉटम बनाता है। ये कंपनी कंटिन्यूअसली नंबर ऑफ स्टोर्स इंक्रीज कर रहा है और काफी अच्छा खासा मैनेजमेंट है जिससे इस कंपनी पर मैं बुलिश हूँ। डिविडेंड भी काफी अच्छा खासा जनरेट करके देता है। तो बॉटम बनाए, स्टॉक के अंदर एंट्री करो, क्योंकि आपको पता है वो 100 रुपए की स्टॉक आपको 50 रुपए में मिल रहा है। तो यही चीज डाल करके 2020 मार्च में बहुत सारे यूट्यूबर जो आपको फ्यूचर ऑप्शन में दिख रहे हैं उससे ही उन्होंने अमीर बने, क्योंकि वो मार्केट में ऑलरेडी 5 साल थे और सडनली मार्केट क्रैश होता है और उसके बाद उनके पास जो भी कैपिटल था, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, राइट, उन्होंने पैसा डाला, उनका पैसा बना और जब मार्केट क्रैश हुआ तभी मैं आया, अदरवाइज मेरा ये पैसा काफी ज्यादा बन चुका होता। उस टाइम पे तो मैं सीख रहा था, बहुत सारा चीज सीखा डेफिनेटली। तो फिर से मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो मे बी मैं, मेरे पास जो भी पॉसिबल 5 लाख या 7 लाख मैनेज करके फिर से मैं पुट करूंगा, 14500 के आसपास निफ्टी आएगा वहां से, राइट। तो ये आपका एक स्टॉक हो गया, चौथा स्टॉक। पांचवा स्टॉक, यहाँ पे आप फुटवेयर स्टॉक्स को मिस बिल्कुल मत करना, रिलैक्सो या बाटा इंडिया, जो भी आप देख रहे हो कोई भी स्टॉक, कोई भी एक ले लेना, जो भी आपको मन करे, काफी अच्छी कंपनीज है। तो अपने पीक से ये सारे के सारे स्टॉक्स आप देखो ऑलमोस्ट 25% डाउन है और इसके अंदर एंट्री पॉइंट मैंने रखा है ऑलमोस्ट यहाँ का 1500 रुपए के आसपास का एंट्री पॉइंट है आपका। रिलैक्सो काफी बेहतर, मुझे बाटा से बेहतर रिलैक्सो लगता है क्योंकि इसका मैंने काफी डीप में कवर किया है। सो ये भी अपने पीक से ऑलमोस्ट आप देखोगे कितना नीचे आ चुका है, सो 33% डाउन है और इसके अंदर एंट्री करने के लिए आपको जो लेवल है, अगर मार्केट एकदम क्रैश होता है 800 रुपए के आसपास आपको एंटर करना है स्टॉक के अंदर में लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। प्लीज नोट, यहाँ पे जो भी स्टॉक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ मिनिमम जो टाइम पीरियड है 2 साल का है, जिससे आपका 1 लाख का कैपिटल, मे बी मेरे ख्याल से 4 से 5 लाख का कैपिटल बन सकता है, उससे ज्यादा भी बन सकता है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा रहेगा कि मैं सारी अच्छी कंपनीज कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी ने गलती से ये स्टॉक्स बाय कर लिए तो उसको नुकसान हो, और लेवल्स आप याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इन्फोसिस, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख करके बाय कर लेते, क्योंकि मुझे मैसेज आता है गलती से किसी ने बाय कर लिया, किसी का यूट्यूब देख करके। लेकिन यहाँ पे अगर गलती से बाय करते हो तो आपका पैसा सेफ है, लेकिन फिर भी आप अपना एनालिसिस करो, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने पॉइंट्स रख रहा हूँ, राइट। सो जस्ट अ मिनट, शायद लैपटॉप का चार्जिंग खत्म होने वाला है। सॉरी, सो यहाँ पे लैपटॉप का चार्जिंग खत्म होने वाला था इसके लिए मैंने चालू किया। सो अभी के टाइम पे ये आपका 15,000 के आसपास इन्फोसिस, सॉरी 1521 रुपए के आसपास चल रहा है। इसके अंदर अगर मैक्सिमम गिरता है, मेरे ख्याल से 1500 के आसपास ही एक्वायरिंग करने का बेस्ट टाइम है, मैंने जिस दिन गिरा था उस टाइम से एक्वायर करना स्टार्ट हुआ, जस्ट फॉर डिस्क्लोजर। और ये स्टॉक के अंदर अगर मार्केट और गिरता है तो 1400 रुपए का लास्ट लेवल इसके अंदर एंट्री बनता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे अच्छे बिजनेस के अंदर में सोना कॉमस्टार मैं कंसिडर करता हूँ, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से ऑलमोस्ट अपने पीक से बहुत नीचे आ चुका है, काफी ग्रेट बिजनेस है। 186 बिलियन रुपीज का ऑर्डर बुक है हाथ में, जो कि 10 टाइम्स कंपनी के रेवेन्यू से अगर कंसिडर किया जाए तो 31% डाउन है। और स्टॉक के अंदर में अभी के टाइम पे जो एंट्री मैक्सिमम आप प्लानिंग कर रहे, मार्केट है 14500 पे आता है तो हर एक स्टॉक नीचे गिरता है, तो स्टॉक के अंदर में आप 500 रुपए तक का, 500 से लेकर के 540 के बीच में आप, मतलब 40 रुपए के आसपास का फर्क पकड़ के चल सकते हो, राइट। काफी अच्छा बिजनेस है कंपनी का, फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। उसके बाद आता है टाइटन, मैं सारे के सारे टाइटन के ही प्रोडक्ट यूज, मतलब टाटा के ही प्रोडक्ट यूज करता हूँ, घड़ी से लेकर के गोल्ड से लेकर के हर एक चीज वही प्रेफर करता हूँ, बाकी किसी पे भरोसा नहीं है, राइट। तो ऑलमोस्ट अपने पीक से बहुत नीचे आ चुका है, यहाँ से अगर देखो 2700 से अब ये 26% डाउन चल रहा है, राइट। अब ये कम से कम मार्केट अगर और क्रैश होता है तो आप इसका पहला लेवल जो है 1921, और लेकिन मैक्सिमम और मार्केट गिरता है तो आपको 1800 से एक्वायर करना स्टार्ट करना, 1800 का लेवल मैक्सिमम है स्टॉक के अंदर में एंटर करना। ये जो भी कंपनीज का मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये सारी कंपनीज का अर्निंग ग्रो हो रहा है, प्लीज नोट। अगर अर्निंग ग्रोज होता है कंपनी का पी मल्टीपल हायर ट्रेड करता है नेक्स्ट 2 ईयर्स में, राइट। तो ये सारी कंपनीज को आज बाय करता हूँ तो पी मल्टीपल हायर होगा, तो जिससे कंपनी का आने वाले टाइम में जो प्राइजेस है वो भी इंक्रीज होगा, राइट। लास्ट स्टॉक की मैं बात करूँ, टाटा एलजी, टाटा एलेक्सी। सो टाटा एलेक्सी एक अच्छा बिजनेस है जो से अभी के टाइम पे 6400 के आसपास आ चुका था। सो दिस इज द टाइम टू एक्वायर सम अ गुड कंपनी। ये कंपनी के अंदर में अगर मार्केट क्रैश होता है तो इसका जो लेवल्स है ना, आप 6300 से एंटर करना स्टार्ट कर देना, 6300 से लेकर के 6000 के आसपास, ये एक लेवल्स है जहां पे ये सारे बिजनेसेस के अंदर में एंटर किया जा सकता है। सो यहाँ पे जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है और आपको लगता है
कि आपको डेप्थ में सीखना है, राइट? डेप्थ में सीखना है तो आप सिंपली यहाँ पे जो मेरा चैनल है finkaro.com, वहां पे जाकर के विजिट कर सकते हो। या आपको ग्रो टुगेदर का सर्विस चाहिए जो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला है, प्लीज उसको अच्छे से रीड करना, उसके अंदर क्या बेनिफिट्स आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। या आपको लर्न टू ग्रो सर्विस चाहिए जहाँ पे आप मेरे साथ क्लोजली बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो मार्केट के बारे में, आउटलुक के बारे में, बिजनेस के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में, लर्निंग के बारे में, वेबिनार के बारे में, हर एक चीज मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ जिससे आप एक अच्छा डिसीजन ले सको। और आपने अगर अभी भी सीखने की कोशिश नहीं की, किसी का सपोर्ट नहीं लिया जो जेन्युइन हो, भले मैं हूं या कोई भी हो मार्केट में, जो जेन्युइन हो, जो नॉलेज प्रोवाइड करता हो, उसके पास ही आप सर्विस लीजिए। और बाकी जो टिप्स और रिकमेंडेशन देते हैं उनसे सर्विस बिल्कुल मत लीजिए, राइट? जो सिर्फ स्टॉक कहते हैं लेकिन रीजन नहीं बताते, बिल्कुल नहीं। आप जो भी स्टॉक्स बाय कर रहे हो, आप अपना क्वेश्चन उससे जरूर करो कि स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है, बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, वो जिससे आपका नॉलेज ट्रांसफर होकर के आपका पैसा बने, राइट? तो दिस इज द टाइम टू एंटर इन टू द मार्केट, राइट? सो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जहाँ पे क्विक अपडेट मिलता रहता है। आप लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।